और जैसे ही हम घर पहुंचे हैं और देखो कौन आया है, सौरभ भैया और बुआ, और ये रहे हमारे भाभी जी। तो अभी हम सब खाना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और नन्नू बुआ से बात वगैरह कर रहा है, कहाँ पे पढ़ता है कहाँ पे नहीं। और सौरभ भैया घूमा है शिमला, कैसा रहा? और भाभी ठीक हो? प्लस टू जो है आ जाए। फोटो लगी नहीं, फर्स्ट आया प्लस टू कितने परसेंट आए? कितने में? 88। फोटो लगी है अच्छा। अखबार लगी होनी फोटो दी? एकदम मोटा था, है एकदम मोटा था। देखियो कि हां बहुत ज्यादा दौड़ले नहीं उन्हें, मतलब कुछ मतलब गर्मियों च भी दौड़दा रहयो कोटी वगैरह पा पा मिल जाता सानू दोपहर नु नठ रहंदा था। आप घूमी जाने दी भूआ ने घुमाओ यार, ये तो गल सही है। मैं वृंदावन लेने सारे। ਲੈਪੂਆ ਕੁਲਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਹੈ ਖਾਧਾ ਪਰ ਅਭੀ ਕੋਮਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਭਾਭੀ ਕੇ ਨਵੀ ਹਮਾਰੀ ਨਵੀ ਭਾਭੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ और कोमल सबसे अच्छी मेहंदी लगाती है हमारे घर में। वो ले आ कागज भी मैं जबरदस्त है टाइम सेवा का करनी पड़नी बुआ ना बुआ तैयार हो गई बुआ हड्डी मरदी बकरे दे सब देंगे तब जाएंगे। हाँ और सभी बिजी हो गए हैं मेरा ब्लॉग देखने के लिए। देख लो मेरे घर के ही कितने फैन है मेरे। बुआ कितने दिन वीडियो कितनी होंगी ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਰੋਂ ਤਾਂ ਬਿਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਹ ਜੀ ਬੁਆ ਹੈ ਗੋਪੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾਈਆਂ। ਟੀਮਾਂ ਬਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਟੀਮਿਆਂ ਬਜਾ ਰਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਮਲ, ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਡਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੈ। बट जिस चीज़ के लिए आप अच्छा बनाना चाहते हो उसको टाइम तो लगता ही है। और इधर एक कीप कम पड़ गई, छोटे छोटे हाथ हैं बट प्लास्टर करने में थोड़ा टाइम लगा। चलो कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और मैं आ चुका हूँ अभी खेत में। आ गया था 8:30 और मैंने ना ब्रश किया हुआ अभी ना मैं नहाया हूँ, क्योंकि मेरे को करनी थी सुबह ही आके स्प्रे, क्योंकि रात की बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और हमारा जो भी बूटा है उसको फंगीसाइड से डर लगता है, क्योंकि ये बारिश के कारण थोड़ा नीचे लेट जाता है, मतलब मिट्टी के साथ चिपक जाता है बूटा, और उसको फंगीसाइड की दवाई करनी होती है। तो मैंने आते ही सारे खेत में फंगीसाइड की दवाई कर दी है, और ये मेरा है 3रा पंप। और इसके बाद मैं चला जाऊँगा घर। और आज हमारे गाँव में है दलिया, तो आपको दलिया की वीडियो आगे दिखाता हूँ। और अभी मैं अकेला यहाँ पे बैठा हुआ था, आज हमारी लेबर हमने छुट्टी कर दिया है, और सौरभ भैया आए हुए हैं घूमने के लिए। कैसा लग रहा है आपको खेत, कैसा लग रहा है आप? बहुत बढ़िया हो गया ना, बढ़िया सेट हो गया। देखिए घा घा था पहला पूरा, इतना स्प्रे की क्या? हाँ तो स्प्रे की घा हमारे पहला, फिर बन्ने बनाए वगैरह सारे तैयार किया। अभी आया हूँ मैं मोटर पर, भैया वगैरह कहते थे कि हमने नहाना है यहाँ पर, और इस ग्रीन बटन से मोटर ऑन होती है। अभी लग रही है बारिश तो नहाना कैंसिल, चले घर चली हुए। अभी कितना लगे थोड़ा पिंड साढ़ा?
चलिए फिर। और अभी बारिश बहुत ही जोरों से लगी हुई है और अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने मंदिर। यहां पे बन रहा है दलिया। चलो अंकल जी से पूछते हैं ये कितना क्वांटल वगैरह और क्या क्या इसमें डला है। अंकल जी कितना क्वांटल दलिया बने जी? 20 किलो। किन्ने दा जी? 20 किलो दा पतीला है। 20 किलो दा पतीला है। चावल किन्ने हैं? 20 किलो। 20 किलो। अच्छा और क्या क्या पाया तू जी? 10 किलो चीनी। 10 किलो चीनी। 2 किलो के। 2 किलो के। और बाकी ड्राई फ्रूट है या पैना है? ड्राई फ्रूट पैना है। अपने लौंग ले, अपने लौंग तो सौंफ, लौंग और सौंफ वगैरह पड़ी हुई है। खांड टोटल कितना तैयार करना है? कितना क्वांटल करना मतलब? 50 किलो का चोल है। 50 किलो चोल है। 50 किलो चोल है मतलब 50 किलो करना हो कितना बन जाऊंगा? 30 किलो पानी, 30 किलो चोल, 50 तो 10 किलो फल मतलब क्वांटल बन जाना। 65 किलो एक पतीला है। 65 किलो का एक पतीला बन जाना। किन्ने पतीले बनाने आप? दो पतीले बन गए। एक क्वांटल 25 किलो से 10 किलो एक क्वांटल 25 किलो के हिसाब से 35 किलो के हिसाब से बनाना। हाँ जी बनाना 50 किलो है। और यहाँ पे एक कट हो रहा है ड्राई फ्रूट जिसमें है बादाम और काजू और पिस्ता वगैरह वो साइड में पड़ा हुआ है। और इतना गलत भाई यार।
Thank you.
ये हमारी बुआ जी है। बुआ जी है। और आप सब ने ये हमारा दलिया देख लिया होगा, ये ख्वाजा पीर का दलिया हम हर साल सावन के महीने सेलिब्रेशन करते हैं। सो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।